इतनी आगे एक बचा है धीरज, एक नहीं बचा। मेरी साइड है वो, पूरा खा गया। मेरे वाले कंटेनर में ही है वो। आ रहा है वो क्लोज। रिवाइव दे रहा है। आ रहा OP। Still checking in the place, still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. फिर आ गए एक और गेम प्ले के साथ वापस। और यार इस वाले गेम प्ले में तुम लोग देखने वाले हो कि लोग कॉन्कर जाने के लिए कौन कौन से रास्ते अपना रहे हैं आजकल। मतलब यार हैकर के साथ खेल के अगर तुम कॉन्कर जा रहे हो तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा है, मुझे ये नहीं समझ में आता। हम लोगों के साथ तो तुम लोग बाद में चीटिंग कर रहे हो। तुम लोग सबसे पहले तो अपने साथ चीटिंग कर रहे हो। मतलब तुम लोग खुद को कैसे समझते हो कि यार मैं चीटिंग करके कॉन्कर में जा रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का क्या फ़ायदा है। ना ही तुम लोगों की स्किल्स बढ़ने वाली उससे, ना ही तुम लोगों को कुछ उससे फ़ायदा होने वाला। बस कॉन्कर का टाइटल मिल जाएगा तुम लोगों को, उसका तुम क्या करोगे अगर तुम खेल ही नहीं पाओगे ढंग से। इस गेम प्ले में सेम यही हुआ है। एक बंदा हैकर था उनमें और वो 3 बंदों का रैंक पुश करा रहा था, जिनमें से एक बंदा ऑलरेडी कॉन्कर में था। और सिर्फ कॉन्कर ही नहीं, इंडिया में #44 ग्रेनेडर है वो। मतलब समझ रहे हो, इंडिया में ग्रेनेडर का टाइटल लेना, वो भी #44 पे कितना मुश्किल काम है। अब इस गेम प्ले में देखने वाले हो कि वो बंदा किस तरीके से हैकर के साथ खेल के, वो हैकर ज़्यादा किल नहीं कर रहा था। हैकर क्या कर रहा था, उन बंदों को मार रहा था जो उस वाले बंदे के लिए मारना थोड़ा मुश्किल था। उन बंदों को हैकर मार रहा था। बाकी हैकर क्या कर रहा था, उन बंदों की, मतलब हम लोगों की भी और बाकी सारे बंदों की लोकेशन बता रहा था उस बंदे को जो रैंक पुश कर रहा था। और वो कार 98 से मार रहा था फिर उनको, और ग्रेनेड से मार रहा था। तो हैकर तो खैर बाद में मिलने वाला है। पहले तो हम सिटी उतरे हैं क्योंकि जॉर्जो में कुछ ज़्यादा ही रश हो गया था, तो हम लोगों ने सोचा सिटी चलते हैं। तो इस वाली वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और आप लोगों को पूरा सपोर्ट करना है क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हम लोगों के यहाँ पे 700 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग 1K तक पहुँच जाएंगे। तो इसी तरीके से यार सपोर्ट करते रहो और वीडियोज़ को शेयर करते रहो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोज़ देख पाएँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं आगे भी इसी तरीके के गेम प्लेज लाता रहूँगा और टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो भी मैं डालता रहता हूँ। तो और वीडियोस को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करोगे तो उनमें आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलो जल्दी से बंदे देखते हैं यहाँ पे, और देखते हैं बंदे कहाँ कहाँ आए हुए हैं, और फिनिश करके यहाँ के बंदों को चलते हैं यहाँ से आगे। तो यार सिटी में तो फिलहाल एक ही स्क्वाड आई थी, जिनके 3 बंदे हम लोग फिनिश कर चुके हैं। और इधर ऊपर की साइड से कुछ बॉट्स के फायर करने की आवाज़ आ रही थी, तो बॉट को हम यहाँ पे मारने आते हैं। यार फ्री के किल कौन छोड़ता है, हम लोग भी नहीं छोड़ते यहाँ पे। और यहाँ पे 2 बॉट आए थे, जिनमें से एक बॉट का किल मुझे मिल जाता है और एक बॉट का किल मेरे टीममेट को यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आप सुनोगे तो एक बंदा जो उनका बचा हुआ है वो अभी भी फायरिंग कर रहा है। तो यहाँ से इन वाले बॉट्स को फिनिश करते हैं और चलते हैं उस वाले बंदे के पास। तो यार वो वाला बंदा इधर की साइड आके कहीं छुपा हुआ है, तो आप देखो उसको यहाँ कैसे भरते हैं। तो यार बैरल का अगर 4x का ये वाला स्प्रे अच्छा लगा तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर करना। तो यार जो स्क्वाड यहाँ पे आई थी वो तो फिनिश हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे एक बॉट और आया था, तो इस वाले बॉट को भी हम मारते हैं। चले बंदे ढूंढते और चलते हैं और बंदों के पास। तो सिटी वाले बंदों को फिनिश करके हम और बंदे ढूंढ ही रहे थे कि यहाँ पे कोचिंकी का जो स्क्वाड हाउस होता है वहाँ से कुछ बंदों के फायरिंग करने की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ देखो आप क्या समझते, मतलब यार ये वाला बंदा ऐसे ट्रैक्टर पे चढ़ा हुआ है जैसे हम सबको मार देगा। यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज भी दिया था इसने, लेकिन यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा यहाँ पे मेरे साथ एक गलत सीन हो जाता है। 2 बंदे वहाँ फायर कर रहे थे और यहाँ पे मेरे भी 2 बंदे नॉक हो जाते हैं, जिनमें से एक बंदा मैंने वहाँ पे नॉक कर दिया है। शायद यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आया कि मैंने नॉक करा है, लेकिन यहाँ पर मुझे उसका किल मिल जाएगा। और वहाँ पर लिखा हुआ भी नहीं आएगा कि वो किल मुझे मिला है, लेकिन ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा किल बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे एक बंदा मैंने नॉक किया था, मुझे भी पता नहीं लगा कि मैंने नॉक किया था उसको, क्योंकि लिखा हुआ नहीं आया था। तो उस बंदे का यहाँ पे किल मिल जाएगा। तो यहाँ से रिवाइव वगैरह होते हैं और इन वाले बंदों को यहाँ फिनिश करते हैं। और यहीं पे यहीं से असली गेम शुरू होने वाला है, क्योंकि इसी जगह पे यहाँ पे हम लोगों को हैकर का पूरा स्क्वाड मिलने वाला है। तो अब आगे देखते रहो यहाँ पे क्या होने वाला है हम लोगों के साथ। तो यहाँ पे जो स्क्वाड थी वो तो फिलहाल यहाँ पे फिनिश हो चुकी है, लेकिन अब देखो आगे कुछ बंदों की वहाँ पे क्रेट पड़े होंगे, मैं उनको लूटने जाऊँगा तो यहाँ पे हैकर प्रकट होने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे साथ क्या सीन होने वाला है। अब देखो मैं यहाँ से क्रेट्स लूटने जा रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। नहीं। तो यार पहले तो जब इस बंदे ने मुझे नॉक करा तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये हैकर है, क्योंकि मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा बंदा है जिसने भागते भागते मुझे M16 से यहाँ पे नॉक कर दिया। और काफ़ी देर तक जब इसने मुझे कवर में भी यहाँ पे मारा तब भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये हैकर होगा, मुझे लगा कि नीचे की साइड से यहाँ पे बुलेट्स आ रहे होंगे मुझे। लेकिन भाई जब मैं यहाँ से रिवाइव हो जाता हूँ और मेरा बंदा मुझे रिवाइव करके यहाँ से जाएगा तो देखना अब स्मोक में वो किस तरीके से नॉक होगा। तो यार देखो यहाँ पे पूरे में हम लोगों ने स्मोक फैला रखा है और मेरा बंदा यहाँ से भागता हुआ स्मोक में जा रहा था और उस बंदे को उसकी लोकेशन पता थी कि वो स्मोक में किधर की साइड भाग रहा है और स्मोक में ही मेरे टीममेट को यहाँ पे उसने नॉक कर दिया। तो यहाँ तक मुझे अभी भी बिल्कुल नहीं लगा कि ये हैकर है, अभी भी मुझे ऐसे लग रहा था कि भाई उसने रैंडम फायर दिया होगा और यहाँ पे मेरा बंदा नॉक हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें अभी आगे और होने वाली है ना जिनसे कन्फर्म हो गया था कि भाई ये बंदा पक्का हैकर है। तो आगे देखते रहो बस अभी क्या क्या होने वाला है। तो मेरी टीम का जो नंबर 4 है ड्रॉन्जर, उसने बता दिया था कि ये बंदा हैकर है, और मेरा जो नंबर 2 है इन्नू, उसको अभी भी नहीं लग रहा कि हैकर है, वो अभी भी बोल रहा है यहाँ पे कि ये बंदा सही है। लेकिन अब देखो आगे क्या होने वाला, जब वो यहाँ पे नॉक होगा वो खुद बोल देगा कि हाँ ये बंदा हैकर है। तो यार देखो मैं भी यहाँ पे स्मोक फैला के आ रहा हूँ और मुझे इसने कितना गंदा मारा है, देख रहे हो। मतलब कोई सही बंदा होगा उसको इतनी लोकेशन पता होगी कि ये बंदा कहाँ कहाँ जा रहा है, स्मोक में इतना परफेक्ट वो बंदा मार रहा है। अब देखो यहाँ पे आगे यहाँ पे कंफर्म होने वाला है कि ये बंदा हैकर है। अब यहाँ पे मैं प्रूफ दिखाने वाला हूँ आप लोगों को कि ये पक्का हैकर है। तो हम लोगों ने भी उनके वहाँ पे 2 बंदे नॉक कर दिए थे और मेरे टीम के जो 2 बंदे वो बग्गी लेके उन पर रश कर देते। अब यहाँ देखो क्या गलत सीन होता है उनके साथ और मेरे साथ भी कितना गलत सीन होता है। बस यहाँ से अब देखते रहो, बस मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप खुद समझ जाओगे यहाँ पे अब क्या होने वाला है। अगर देखा होगा ध्यान से तो समझ गए होगे, पूरे कवर में यहाँ पे पेड़ के पीछे उस बंदे ने मुझे नॉक करा है, मतलब पेड़ के आर पार उसका बुलेट आया और यहाँ पे मैं नॉक हो गया हूँ। तो यहाँ पे मैं तो फिनिश हो जाऊँगा। अब यहाँ पे देखो मेरा टीममेट जो होगा वो किस तरीके से यहाँ पे फिनिश होगा और उसके बाद में उन बंदों को स्पेक्टेट करके उन बंदों की प्रोफाइल दिखाऊँगा आप लोगों को। तो अब आगे देखते रहो यहाँ पर। अब देखो मेरा लास्ट टीममेट यहाँ पर बचा हुआ है, अब वो हैकर से मरने वाला है। यहाँ पर देखो अब क्या होने वाला है इसके साथ। तो भाई ये वाला बंदा जो आप देख रहे हो ना यही हैकर, इसकी केडी भी ज़्यादा नहीं है, कोई कह नहीं सकता है हैकर है। लेकिन अब इसकी हरकतें देखना यहाँ पे, और इसका ये वाला बंदा कॉन्करर में है और आप देख रहे हो #44 ग्रेनेडर है, ये एशिया में। और अब यहाँ पे देखो ये बंदा यहाँ पे इतनी देर तक स्कोप खोल के इसलिए खड़ा है क्योंकि ये यहाँ पे लोकेशन मार्क कर रहा है बंदों की और अपने टीममेट को बता रहा है कि देखो इस वाले कंटेनर के पीछे ये बंदे हैं और इस वाले घर में ये बंदे हैं, और यहाँ पे लोकेशन बता बता के उसको ये किल दिलवा रहा है अपने कॉन्करर वाले बंदे को और उसके साथ वालों को भी। ये सारे बंदे यहाँ पर रैंक पुश कर रहे हैं और वो वाला बंदा तो खैर ऑलरेडी कॉन्करर में है। तो देख रहे हो यार यहाँ पे क्या फ़ायदा है ऐसे रैंक पुश करके। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर कोई बंदा हैकरों के साथ ऐसे रैंक पुश करके कॉन्करर जाता है, ऐसे टाइटल लेता है, तो क्या ये चीज़ सही है। तो इन लोगों को हम ज़्यादा देर रिस्पेक्टेड नहीं करते, यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह करते हैं इन लोगों को और अपना दूसरा हम गेम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वाला अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।